हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी इस नई गिनी पिग के बारे में। मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से इसकी फ़ोटोज़ खींची गई थी और जो इसकी कैटलॉग था वो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है, क्योंकि इसमें इसकी हेल्थ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वीक है ये, और इसके पैर भी काफ़ी अजीब हैं। ये देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसके पैर थोड़े मोटे मोटे और मुड़े हुए हैं, और पीछे वाले पैरों में भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जब बात की जहाँ से मंगवाया था इसको, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उनका कोई जवाब नहीं था। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसका ये जो कलर है जो देख के मैंने इसको मंगवाया था, और जो भी इसकी हेल्थ है, इससे हमें अब कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, हम इसको ठीक कर देंगे। और जो भी इसकी हेल्थ है, इसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, ये कितने दिनों में जल्दी से जल्द ठीक होती है और क्या क्या चेंजेस आएंगे, इनके ऊपर भी मैं अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये शायद गिनी पिग से फाइट हुई होगी और ये आपस में लड़े भी हैं, तो यहाँ पर ब्लड निकला हुआ है। और इसके बाल वाल आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से हैं। इसकी पूरी ऑल ओवर अगर हेल्थ हम लोग देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक है मुकाबले मेरे गिनी पिग्स के। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो मेरे गिनी पिग के बच्चे हैं, ये 3-4 महीने के ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन लोगों की हेल्थ आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बाकी के जो हैं, जैसे कि इस वाली को मैं लेकर आया था और इसको आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ बाकी ये जो बच्चे हैं इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वीक है ये। तो इसका अब ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, कुछ दिनों के लिए इसको सेपरेट किया जाएगा, और जो भी फीड है इसकी वो प्रॉपर फीड रखी जाएगी, नॉर्मल क्वांटिटी से थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि ये खाए और हेल्दी रहे। तो अभी फ़िलहाल ये काफ़ी शांत थी, काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ी हुई थी। तो अब मैं इसको फीड में सिर्फ और सिर्फ ग्रास दे रहा हूँ, ग्रास और पानी, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स दूंगा। और ग्रेन्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये मिक्स ग्रेन है जो कि मैं सभी को फीड कराता हूँ गिनी पिग्स में। इसमें कंगनी, बाजरा, गेहूँ और थोड़ा बहुत कहीं कहीं धान है, वरना मैं धान नहीं देता हूँ। तो ये जो ग्रेन्स है मैं यही फीड कराता हूँ अपने गिनी पिग्स को। तो ये सिर्फ 2-3 आइटम मैं इसको दूंगा यहाँ खाने के लिए, और उसके बाद इसकी ग्रोथ कितनी जल्दी होती है, कितने जल्द से जल्द इसमें चेंजेस आते हैं, ये सारा कुछ हम नोट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये देखिए, आप लोग इसके हाथ देख सकते हैं किस हिसाब से ये हाथ सूजे हुए हैं और मोटे मोटे हैं, और पीछे वाले पैर आप लोग देख सकते हैं, पीछे वाले पैरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक बार उठा के इसको दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये नीचे कितनी गंदी है यहाँ पे, इसने काफ़ी पॉटी वॉटी की थी और काफ़ी गंदी हो गई थी। और ये लोग देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये हल्का सा ब्लड है, सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि अकेले होल्ड करना पड़ता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका ये वाला पैर कितना मुड़ा हुआ है, और इसका लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है, राइट पैर देखिए नाखून के हिसाब से। तो काफ़ी ज़्यादा अगर कहा जाए तो डिफेक्टिव तो कहना खैर गलत होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीक और भरोसे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गलत पीस हमें मिल गया है, लेकिन हम इसको ठीक कर देंगे। और ये जो इसके पैर मुड़े हुए हैं, इसका भी ट्रीटमेंट करा जाएगा, देखते हैं ये ठीक होते कि नहीं होते। ये होने का चांस तब रहता है जब गिनी पिग काफ़ी छोटा हो, जैसे कि मेरे ये वाले गिनी पिग्स हैं, क्योंकि ये अभी छोटे बच्चे हैं। तो अगर इनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पैदाइशी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैं अगर इसको निकालूं, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसकी हेल्थ आप देख सकते हैं मुकाबले इस नन्हे से बच्चे के, और ये देखिए इसके पैर किस तरीके से सीधे साधे और बिल्कुल हेल्दी है। और ये सामने वाला देखिए, पंजा इसका बिल्कुल स्ट्रेट है और आते ही खाना स्टार्ट कर दिया, ये फीमेल है। और यहाँ पे ये वाली गिनी पिग भी फीमेल ही है, और इसके पंजे आप लोग देख सकते हैं इसके पंजे किस हिसाब से। तो खैर जो भी है, हम लोग इसकी देखभाल करेंगे और पूरा ध्यान रखा जाएगा, फिर उसके बाद इसमें क्या चेंजेस होते हैं इसकी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए अभी इस बच्चे को रख देते हैं, क्योंकि नई फीमेल है तो इससे मिलाना अच्छा भी नहीं है। तो बाकी अभी बस फीड में ग्रास, ग्रेन्स और वाटर, और फिर उसके बाद जब ये पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएगी, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, फिर उसको ब्रीडिंग के लिए छोड़ा जाएगा, यानी कि लगभग महीने भर बाद। तो अभी फ़िलहाल हम इसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, हेल्दी बनाएंगे, और फिर उसके बाद इसको मम्मी बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।